अब शिवराज सरकार के मंत्री की फिसली जुबान, कांग्रेस के उम्मीदवार की पत्नी के लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को लेकर भी धमकी की भाषा पर उतले बिसाहू लाल, बोले दुर्गति कर दूंगा। जय प्रकाश अग्रवाल मेरे चलते 13 साल तक अध्यक्ष बने और 3 तारीख के बाद जो दुर्दशा में जय प्रकाश का करूंगा कोई नहीं करेगा। विवादित बयान को लेकर कमलनाथ ने मांगी माफी, कहा अगर किसी को दुख हुआ तो मुझे खेद है। कौन सी समय, मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूं और अगर कोई सोचता है असम्मानित बात हुई मुझे इस बात का खेद है। कमलनाथ की दलील, बीजेपी पिट रही है इसलिए उठा रही है ऐसे सवाल, मैं करता हूं महिलाओं का सम्मान। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के विवादित बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी आग बबूला, महिला का अपमान बताकर सोनिया गांधी से पूछा सवाल। एनसीडब्ल्यू में भी पहुंचे कमलनाथ का बयान, बीजेपी के महिला मोर्चा ने कमीशन से लगाई शिकायत। कमलनाथ के बयान के खिलाफ भोपाल से लेकर इंदौर तक बीजेपी का मौन प्रदर्शन, राजधानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अगुवाई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ के बिगड़े बोल, सूबे की मंत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी की थी। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या कमलनाथ की टिप्पणी पर चलका इमरती देवी का दर्द, फूट फूट कर रोई शिवराज सिंह चौहान की राज्य मंत्री। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होगा होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की क्या मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी ऐसी दलित की कोई बाहर ही निकले नहीं निकले। फिर सुनाई देगा नागरिकता कानून का शोर, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कोरोना की वजह से देर हुई लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे नड्डा, ममता पर लगाया फूट डालो और राज करो की नीति का आरोप। वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है, फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ाओ। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी जारी रहा बीजेपी का मिशन बंगाल, अमित शाह ने की कई ऑनलाइन रैलियां, कोलकाता में डटे हैं कैलाश विजयवर्गीय। जेल में सजा काट रहे लालू ने बिहार चुनाव में मारी एंट्री, ट्वीट करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दी आराम करने की सलाह। लालू ने नीतीश पर निशाना साधने के लिए कार्टून का लिया सहारा, बिहार के सीएम के समंदर वाले बयान पर ली चुटकी। लालू के हमले से जेडीयू आग बबूला, कहा चारापुर के बहिष्कृत महाराज हैं आरजेडी के अध्यक्ष। लालू के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी किया पलटवार, संजय जायसवाल बोले काम करने के बाद जेल में आराम कर रहे हैं आरजेडी के अध्यक्ष। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जारी किया वीडियो, जनता को बताया आरजेडी के 15 सालों का हिसाब किताब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी चुनौती, कहा किसी भी मुद्दे पर कर लें डिबेट। चिराग पासवान ने फिर खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा, कहा पिछले 5 साल के कामों का हिसाब दे बिहार के सीएम। औरंगाबाद में नीतीश की रैली में हंगामा, एक शख्स ने सभा स्थल के करीब जमकर किनारेबाजी। समस्तीपुर में नामांकन के दौरान दिखे अनूठे रंग, घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे एलजेपी के उम्मीदवार। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की रैली में आरजेडी का हंगामा, मंच से रक्षा की विनती की रट लगाते दिखे राय। 3 दिन के दौरे पर केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, मल्लापुरम में कोरोना को लेकर बैठक में लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा, किसानों को बांटे राहत के चेक। समस्तीपुर में एनडीए की चुनावी सभा में दिखी बद इंतजामी, खाने के पैकेट पर टूट पड़े कार्यकर्ता। मधुबनी में केंद्रीय मंत्रियों रामकृपाल यादव और रविशंकर प्रसाद ने किया प्रचार, रामकृपाल बोले कांग्रेस में जान नहीं बची।
सीतामढ़ी से आरजेडी से जेडीयू में शामिल उम्मीदवार का विरोध। लोगों ने दी हिदायत, मोदी के नाम पर वोट मत मांगना। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बारामती में किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा, किसानों को तत्काल राहत देने की उठाई मांग। खंडवा की सभा में पिता की मौत पर गुस्से में बेटा बोला, कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं मिला, नेता देते रहे भाषण। सीतामढ़ी में नामांकन के दौरान उड़ी नियमों की धज्जियां, कलेक्ट्रेट के गेट पर भी जमकर नारेबाजी। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए बलविंदर सिंह को मिली जमानत, कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से दागे सख्त सवाल। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने भी किया बारामती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, किसानों से जानी दिक्कतें। फारूक अब्दुल्ला पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मामले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े केस में 43 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप, ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से दागे सवाल। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी के शिकंजे से सुलगी सियासत, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पर किया हमला। अगर किसी ने जनता के पैसे को, देश के पैसे को लूटा है तो उसको कानून का सामना तो करना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग को लेकर उद्धव सरकार पर हल्ला बोल। कोरोना पर बोले पीएम मोदी, हालात अब आ रहे हैं काबू में। पीएम मोदी ने कहा, भारत में डेथ रेट सबसे कम, एक्टिव केसों की तादाद भी घट रही है। टुडे वी आर सीइंग इट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ केसेस पर डे एंड इन द ग्रोथ रेट ऑफ केसेस। 75 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 55,000 से ज्यादा नए मामले। देश में 24 घंटे में गई 580 लोगों की जान, 1,14,000 के पार पहुंचा मरने वालों का कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले, करीब 16 लाख पर पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले, करीब 4,55,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 2,200 नए मामले, 31 मरीजों की मौत। वाराणसी में करीब 7 महीने बाद खुले स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी जरूरी। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, करीब 3,21,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। बाराबंकी में कई महीनों के बाद खुले स्कूल, पहले दिन में जांच में 2 छात्राओं को मिला कोरोना। थाने के कोविड अस्पताल में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, एक ठेकेदार ने की थी भर्ती। अमृतसर में भी 7 महीने के बाद खुले स्कूल, गाइडलाइंस का करना होगा पालन। मुंबई के कोविड सेंटर की अनूठी तस्वीर, वार्ड स्टाफ के साथ गरबा करते दिखे मरीज। छपरा में कैमरे में कैद, जमीन का कटाव, माही नदी में कट रही है जमीन। पाकिस्तान की नई साजिश का हुआ खुलासा, एलओसी पर 7 लॉन्च पैड से आतंकियों के घुसपैठ के नापाक मंसूबे। लॉन्च पैड पर जमा है 300 आतंकवादी, भारत पर हमला करने की फिराक में है ये आतंकवादी। खुफिया खबर मिलते ही भारतीय सेना सतर्क, बैक टीम के पाकिस्तानी सैनिकों का भी होगा काम तमाम। उरी से लेकर गुरेज और तंगधार से कृष्णा घाटी और भिम्बर गली सेक्टर तक हमले का पाकिस्तान का प्लान, टीम में शामिल पाकिस्तानी सेना के मुजाहिद। इन्होंने ये जो 7 लोकेशन चूज की है, उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर तक है। ये इसके बीच के जो इलाके हैं, इनमें नदी नाले हैं, ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, बड़ी आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। बठिंडा पुलिस ने बदमाशों के गिरोह का किया भंडाफोड़, कई तेज धार हथियार भी बरामद। जालौन में क्रिकेट पर सट्टे का किया गया खुलासा, पकड़े गए 5 सट्टा माफिया। विशाखापट्टनम में 200 किलो भांग, गांजा बरामद, एक कार में लदा था गांजा। प्रयागराज में पुलिस ने शुरू की ई इन्फॉर्मर नामक सेवा, व्हाट्सएप के जरिए दे पाएंगे किसी भी अपराध की खबर। लुधियाना में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। गाजियाबाद के नेहरू नगर में नाले से युवक की लाश मिलने से सनसनी, अब तक पहचान नहीं। दुर्गापुर में चलती बस में लगी आग, बचाए गए सारे मुसाफिर। कन्नौज में एक लड़की को मानसिक रूप से बीमार बनाने का सनसनी केस, मामला पिता की शिकायत पर केस दर्ज। अकोला में बातों में उलझाकर दुकानदार के गले से नकदी पार, महिलाओं के गैंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वडोदरा में मुंबई हाईवे पर 2 ग्रुप में खूनी भिड़ंत, 4 लोग घायल। दिल्ली में सगे भाई की ली जान, प्रॉपर्टी विवाद में दिया वारदात को अंजाम।
प्रतापगढ़ में दरिंदगी की इंतहा, युवक की जीप काटकर पेड़ पर लटकाया। किशनगंज में कार की तलाशी में मिले लाखों के चांदी के जेवर, बिना बिल की गई खरीद। पटना में दो कारों में जबरदस्त टक्कर, चार लोग घायल। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर बात शुरू, माल की आवाजाही शुरू करने की भी कोशिश। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद के लापता होने के पोस्टर किए गए चस्पा तृणमूल की ट्रेड यूनियन ने थाने में भी सांसद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कश्मीर में मेरा कस्बा मेरा गौरव कार्यक्रम शुरू, पुंछ में मुहिम के तहत जानी लोगों की दिक्कतें। उड़ीसा के गजपति शहर में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। हरियाणा के सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का धरना जारी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चंडीगढ़ में अकाली दल के नेताओं का विरोध प्रदर्शन, पंजाब भवन में विधायकों की एंट्री पर रोक को लेकर बढ़ा विवाद। मुर्शिदाबाद में इस बार दुर्गा पूजा पर ढाक बजाने वाले भी निराश, कोरोना की वजह से नहीं मिलेगा काम। मिदनापुर में भी कोरोना का पूजा पंडालों पर असर, तैयारियां शुरू पर बन रही हैं छोटी मूर्तियां। जयपुर में चीनी आइटम्स की जगह देसी चीजों के इस्तेमाल पर जोर, बाजार में जल्द मिलेंगे गोबर से बने दिए। गुवाहाटी में इस बार छोटे और सादगी से भरे होंगे पूजा पंडाल, मूर्तियों का आकार भी घटा। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पहल, प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों का किया सम्मान। कोरोना की वजह से बंदरगाहों पर घट गई है कार्गो हैंडलिंग, 12 प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कुकिंग कोल के आयात में 25% की कमी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक खुले 40 करोड़ से ज्यादा खाते, आधे से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए। ट्रेनों से पैंट्री कार हटाने पर 10,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा, बड़े स्टेशन पर बेस किचन बनाने और ई पैंट्री के जरिए डिलीवरी से होगा नुकसान। फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट पर अब तक 70 से ज्यादा रिटेलर्स बने करोड़पति, अमेजन पर 5,000 सेलर्स ने बेचे 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स। रिलायंस जियो 3,000 रुपए में बेचेगी 5G स्मार्टफोन, 20 करोड़ 2G फोन यूजर्स को करेगी टारगेट। थाईलैंड में राष्ट्रवाद के खिलाफ उग्र होता जा रहा है प्रदर्शन, बैंकॉक में हजारों की संख्या में सड़कों पर नजर आए प्रदर्शनकारी। दुनिया में लगातार बढ़ा है कोरोना, 4 करोड़ के पार पहुंची मरीजों की तादाद, अब तक 11,19,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 83,88,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 2,24,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। चीन के दूसरे शहरों में भी वैक्सीन की इजाजत, इससे पहले जरूरतमंदों को दिया जाएगा टीका। चीन गणराज्य में कोरोना के प्रतिबंधों के खिलाफ जोरदार नाराजगी, प्राग की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।